यस फ्रेंड्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी का डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी। इसमें क्या है, एडी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो पहले गिवन लिखना होगा हमें, क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें क्या है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है। इस तरीके से है कि भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीडी और डीसी का, सॉरी बीसी का। तो क्या होगा यहाँ पे, बीडी इक्वल डीसी हो जाएगी। फिर आगे दे रखा है, शो दैट, टू प्रूव, क्या लाना है हमें कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल, और ट्राइंगल और दूसरी चीज लानी है कि ए बी इक्वल ए सी। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले प्रूफ क्या क्या चाहिए हमें, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। क्या क्या चीजें इक्वल है, एक तो हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल आ रही है, यानी बी डी इक्वल डी सी लिख देते हैं। ये है हमारी इक्वेशन वन से, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं बाय वन, ठीक है ना। दूसरी चीज देखें तो क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल इक्वल ए डी बी ए डी सी। एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हमारे पास बन रहे हैं। फिर थर्ड चीज, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या सेम आ रही है, ए डी लाइन दोनों ट्राइंगल में है और सेम होगी, तो ए डी इक्वल ए डी, ये क्या है, कॉमन रूल वो सा लग गया, साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी डी, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, मतलब सी पी सी की। तो बाय सी पी सी की, सी पी सी टी से क्या होगा अपने पास, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, दो लाइन इक्वल आ गई, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। इन एन आइसोसेल ट्राइंगल ए बी सी, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है, ऑलरेडी दे रखा है गिवन कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, ए बी इक्वल ए सी, तो ये डायग्राम हुआ हमारा ए बी इक्वल ए सी। फिर ये रखा है एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर पॉइंट ए पे मिल रहा है, ओ पे, सॉरी, ये एंगल बी का बाइसेक्टर वाला लाइन और एंगल सी के बाइसेक्टर वाला लाइन ये ओ पे मिल गई, इसको ऊपर से भी जॉइन करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है ना। और एंगल बी और सी की ये बाइसेक्टर मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल में क्या हो गया, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है ना। तो देखें हैं कि भाई ये वाला अगर ए बी ओ है तो ये ओ बी सी भी क्या होगा इक्वल, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ओ बी सी, इनको मान लेते हैं ए, तो ए सी ओ और ओ सी बी, एंगल ए सी ओ इक्वल ओ सी बी, इनको मान लिया बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारी कि टू प्रूव, लाना क्या है,
प्रूव कराना है, तो OB इक्वल OC, फर्स्ट में OB इक्वल OC। ध्यान रखिए इसमें वैसे मेन हमें कॉन्टिनेंस तो लाने ही होंगे, AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A लाना है, दूसरा AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AO लाइन एंगल A को कब बाइसेक्ट कर सकती है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल अगर अपन इक्वल बता दे तो। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करने से पहले अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को कॉन्टिनेंस बताते हैं तो OB इक्वल OC हमारे पास आ जाएगा, तो इसके लिए ये वाली लाइन AB इक्वल AC हमारे पास है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। दूसरी चीज AO हमारे पास कॉमन आ जाएगी। थर्ड ये वाला एंगल और इक्वल होना चाहिए जो अभी नहीं आया है, उसके लिए क्या करें अपन देखते हैं एंगल B इक्वल एंगल C के हैं, तो एंगल B इक्वल पहले बताते हैं AB इक्वल AC है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। एंगल बी के सामने ए बी के सामने वाला एंगल सी, ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये भी इक्वल होंगे। दोनों तरफ क्या कर दें, टू से डिवाइड कर दें, एंगल सी अपॉन टू एंगल बी अपॉन टू। एंगल सी का हाफ क्या होगा हमारे पास, एंगल सी का हाफ यानी ऊपर वाला नीचे वाले में से कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं और वो दोनों वैल्यू क्या है बी, तो यहाँ लिख दिया बी। एंगल बी का हाफ ए, तो B और A एंगल कैसे हैं इक्वल हैं। तो अब देखें अब ले लेते हैं ट्राइंगल AOB और AOC। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC क्या क्या चीजें इक्वल हैं, AB इक्वल AC, दूसरा एंगल A और एंगल B इक्वल है, ठीक है ना, और थर्ड चीज AO लाइन दोनों ट्राइंगल में सेम आ रही है, AO equal AO, ये क्या है given, A equal to B अपन ने प्रूव कराया 1/1 और ये क्या है common, ठीक है ना, तो तीनों तो दोनों ट्राइंगल कॉन्गेंस हो गए बाय रूल SAS ट्राइंगल AOB कॉन्गेंस ट्राइंगल AOC, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है हमारे पास CPCT बाय CPCT क्या होगा, OB इक्वल OC हो जाएगा, तो फर्स्ट चीज हमने प्रूव करा दी। CPCT से हमारे पास BAO और CAO भी इक्वल होंगे, एंगल BAO इक्वल एंगल CAO, ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं जो मैंने बोला था आपको। अगर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब AO लाइन भी तो इनको बाइसेक कर रही है, तो हैंस OA बाइसेक्ट या AO बाइसेक्ट एंगल ए। कंप्लीट हो चुका हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अपन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायग्राम दे रखा है, अब देखें इसमें गिवन लिखते हैं क्या क्या रखा है, गिवन ट्राइंगल एबीसी, उसके बाद वो क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स, फिर दे रखा है इन विच बीई एंड सीएफ आर ड्रोन टू इक्वल साइड्स, यानी कि AB और AC इक्वल है, इन साइड्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं BE एंड CF, तो BE परपेंडिकुलर AC एंड AC परपेंडिकुलर BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी चीज दे रखी है So that these attitudes are equal, बताने कि ये BE और CF क्या है equal, to prove BE equal CF, so proof, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए BE और CF लाना है,
BE और CF लाइन तो अपने पास इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, यानी कि BCE में और CBF में। तो देख सकते हैं इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल CBF, ठीक है। इसमें अपने पास क्या क्या है जो इक्वल है, एक तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो उसके दो एंगल इक्वल होते हैं। तो BCE, BCE इसमें एंगल सी आ रहा है और CBF, CBF, CBF इसमें कौन सा आ रहा है, एंगल बी, दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज आ रही है कि भाई अपने पास कॉमन ये वाली लाइन BC दोनों ट्रायंगल में है और एक 90 डिग्री का एंगल है, तो लिख देते हैं 90 डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए क्या लिखेंगे, बी सी ई बी। तो एंगल सी एंगल लिख चुके हैं पहले, तो पहले साइड लिख देते हैं BC इक्वल BC, फिर एंगल सी बी ई, सी ई बी होना चाहिए, सी ई बी। दूसरी चीज सी ई बी आ चुका है तो फिर सी एफ बी, एंगल सी एफ बी, ठीक है ना। ये 90 है, ये कॉमन और ये बाय वन, दोनों में डाल गया रूल बाय रूल एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेस ट्राइंगल बी सी ई, कॉन्ग्रेस ट्राइंगल सी बी एफ। तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस मतलब ये एल्टीट्यूड भी क्या हो गया इक्वल, बी ई इक्वल सी एफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है जिसको आप लोग खुद ट्राई करें, आप एक बार कोशिश करें, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, और जो मैंने आपको बताए हैं आज वो कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लें। आपको इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं मिल जाएंगे। तो आगे ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।